प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आज 9th क्लास एनसीईआरटी सीबीएसई वाले यानी कि इंग्लिश मीडियम में मैथ्स के एक सब्जेक्ट को देखते हैं, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन जैसे कि √2, √3, √5, √10, √16 ETC को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। यानी कि कोई भी अगर इरेशनल नंबर रहेगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे। तो चलिए हम लोग उसको सीखते हैं कि आखिर नंबर लाइन पे उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके पास जो नंबर लाइन दिखाने के लिए जो जो मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये सब सारा आपके सामने मटेरियल होना चाहिए। एक इंच होना चाहिए और दूसरा एक चांद होना चाहिए और फिर एक प्रकाल होना चाहिए, एक रबड़ होना चाहिए जो गलती होगा उसको मिटाएंगे, और एक प्रेस फेस शार्प किया हुआ एक पेंसिल होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए जो नंबर देने के लिए हम लोग को काम आएगा। तो इतना चीज हम लोगों को चाहिए किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, खास करके वैसा नंबर जो √2 में होता है प्यारे बच्चों, जैसे √2, √3, √5, √10, √16 ETC अगर रहेगा तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट सभी को हम लोग फिट करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको आप फिट कर लीजिए बराबर करके, और ताकि सबका यूज है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो ये फिट हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब हम लोग किसी भी नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका रूट निकालना। प्यारे बच्चों, उसके पहले आप एक और चीज हम दिखा देना चाहते हैं, जरा इसको देख लीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपको परफेक्ट स्क्वायर याद रहना चाहिए कि किस किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। 0 का 0, 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, 4 का 16, 15 का 25 का 5, 36 का, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर आप इन चीजों को याद कर रख लिए हैं तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं कि √2 ऑन नंबर लाइन, यानी कि पहला जो हम लोग दिखा रहे हैं वो किसको, तो √2 ऑन नंबर लाइन, यानी कि √2 ऑन नंबर लाइन, यानी कि √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, इंच की सहायता से, स्केल की सहायता से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो यहां पे आप स्ट्रेट लाइन खींच लिए, पेंसिल की सहायता से आप खींच लीजिए यहां पे, ये हो गया। अब यहां के बाद आपको क्या करना है, कहीं भी आपको ओरिजिन मानना है, आपको कहीं भी लगता है कि हम यहां 0 मान सकते हैं तो आप यहां 0 मान लीजिए। अब 0 के हर एक बार आप जब यहां 0 माने हैं तो 0 पे आपको ये वाला को रखना पड़ेगा, ये वाला जो है स्टार्टिंग प्वाइंट यूं बोले तो इसको रखना पड़ेगा, यानी कि जो स्टार्टिंग प्वाइंट मेरा ये है वहीं रखना पड़ेगा। और इसको फिर यानी कि यहां से रखने के बाद ये इसको यू वाला प्वाइंट को 0 पे रखेंगे, और इसको अगर 0 पे रखेंगे तो यहां पे बनेगा ऐसे, इसको हम लोग 0 पे रख लिए हैं। और फिर इसको एक एक के डिस्टेंस पे, जैसे यहां हुआ तो यहां पे ऐसे ऐसे कट कर लेंगे, 2 पे कट कर लेंगे, 3 पे कट कर लेंगे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पे भी वैसे ही करेंगे। 0 के इधर अगर लेना होगा, हालांकि 0 के इधर काम नहीं है, तो बिल्कुल आप यहां पे 0 के सामने स्टार्टिंग पॉइंट का लीजिए। यहां है -1, -2, -3, -4, ऐसे। अब सबका बराबर बराबर डिजिट ले लिए, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 5, 6, ऐसे ही ETC, इधर -1, -2, -3। प्यारे बच्चों, करना क्या है, एक अपने से नंबर लाइन खींच लेना है, कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है 0। अब जहां 0 लेंगे उसके आगे इधर एक एक की बराबर बराबर के डिस्टेंस पे लेना है नंबर। उसके बाद करना क्या है कि आपको √2 को देखना है। तो √2 जो होता है प्यारे बच्चों, √2 जो होता है वो कैसा होता है नंबर, तो आप देखिए √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो √2 को लिख सकते हैं √1 का 1 + 1, और इसी को हम लिख सकते हैं √1
एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, उसमें फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हाइपोटेनस का जो वैल्यू है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना एच बराबर रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी कि यही जो वैल्यू है वो किसको बताता है, एच को बताता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी को फॉलो करते हुए जीरो से लेकर कोई भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे प्यारे बच्चे, जीरो से लेते हैं। तो अगर आप जीरो से वन लेंगे डिस्टेंस, तो जीरो से क्योंकि रूट टू को हम दिखा रहे हैं, तो रूट टू कब कैसे आता है, तो देख रहे हैं रूट टू तभी आता है जब पी भी वन रहेगा और बी भी वन रहेगा, यानी कि दोनों को वन वन रखना है। तो फिलहाल हमको यहां से लेकर यहां तक वन डिस्टेंस लेना है, यानी कि जीरो से लेकर वन डिस्टेंस लेना है। अब वन डिस्टेंस हो गया, अब क्या करना है, वन पे इस चांद की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है, वन पे रखेंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट को बिल्कुल वन पे रखना है। क्यों, क्योंकि वन डिस्टेंस यहां पे बताया ना अभी कि वन प्लस वन का मतलब होता है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का मतलब पी भी वन और बी भी वन, तो आपको रखना है वन पे ये वाला पॉइंट ओरिजिन को, चांद का ओरिजिन को। तो हम यहां पे रख रहे हैं वन, वन पे हो गया। अब यहां पे जैसे ही वन को रख रहे हैं, वन पे रख रहे हैं, तो यहां पे 90 डिग्री आ रहा है यहां पे। तो अब क्या कीजिए, चांद स्केल की सहायता से इसको रखकर बिल्कुल सीधा मिला लीजिए, ये हो गया पूरा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, चूंकि पी भी वन है यहां पे और बी भी वन है, दोनों वन वन है, तो हम नीचे तो वन ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको ऊपर वाला लेना है, ऊपर में कितना लेना है वन। तो आप ऐसा कीजिए कि यहां से लेकर यहां तक वन मेजर कर लीजिए, तो यहां से यहां तक वन मेजर करेंगे तो यहां आएगा, यहां आएगा, तो इधर भी हो गया वन डिस्टेंस और इधर भी हो गया वन डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों इसका जो हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस का मतलब ये वाला लाइन, इसको हम लोग मिला देंगे, और इसको जैसे ही मिला देंगे तो ये बनेगा हाइपोटेनस, और यही वैल्यू हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, रूट टू। और ये जो रूट टू बन गया, अब क्या करना है, इसकी सहायता से यानी कि प्रकाल की सहायता से, अब आपको चूंकि नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम लोग जानते हैं ना कि रेडियस हमेशा इक्वल होता है, तो यहां से रूट टू को रूट टू पे रख के और उसको फिर सीधा नीचे ऐसे ऐसे कट कर देंगे, और ये जहां भी आएगा ये कहां आ रहा है प्यारे बच्चों, यहां आ रहा है। तो अब हम इसको इस लाइन को बोल देंगे कि यहां पे रूट टू है, यहां पे रूट टू है। अगर मान लिया प्यारे बच्चों कि हमको रूट थ्री को दिखाने बोलता कि आप जो है ना रूट थ्री को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो हम रूट थ्री को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले रूट थ्री को दिखाने के लिए कुछ हमको रफ सीट करना पड़ेगा कि रूट थ्री कब होता है, तो रूट थ्री तब होता है जब अंडर रूट दो में एक जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि अंदर में दो प्लस एक करेंगे तभी ना तीन होगा, और दो प्लस एक का मतलब क्या प्यारे बच्चों, रूट अंडर दो को हम लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि प्यारे बच्चे अगर रूट कुछ भी रहेगा पी उसका स्क्वायर करने पे पी ही मिलता है, या फिर बोले तो अगर कोई नंबर चार है इसको रूट में दिखाना है तो रूट चार का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये मैथ्स का रूल होता है। अगर मान लिया आठ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट आठ का स्क्वायर। उसी तरह से टू का कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, रूट टू का स्क्वायर, और प्लस वन है तो वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो यहां पे रूट टू का स्क्वायर अगर हमको करना है, टू है तो रूट को कर देंगे रूट टू का स्क्वायर, इट मीन्स प्लस और वन का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
यहां पे पी का वैल्यू आ गया, सॉरी पी का वैल्यू आ गया या फिर बी का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, रूट टू आ गया और पी का वैल्यू वन आ गया, मतलब कि जो हम लोग नीचे का वैल्यू लेना है वो लेना है रूट टू और ऊपर का वैल्यू लेना है वन। तो प्यारे बच्चों नीचे का वैल्यू रूट टू लेना है, इसका मतलब यहां पे रूट टू होना चाहिए और यहां पे वन होना चाहिए, तभी ना आएगा यहां वाला से रूट थ्री। अब चीजों को अच्छे से समझिए, यानी कि अगर ऐसा हम लिख रहे हैं थ्री को कैसे लिखें, टू प्लस वन, अब टू को कैसे करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर, अब रूट टू कैसे मिलेगा तो रूट टू नीचे होना चाहिए और ऊपर में वन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग को किसको दिखाना होगा, रूट टू को, यानी कि अगर आपको रूट थ्री वाला सवाल आए तो आपको सबसे पहले मेजर करना होगा, रूट टू निकालना होगा, क्योंकि रूट थ्री को निकालने के लिए आपको रूट टू जरूरत है। अब रूट टू अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर वहां से हम लोग रूट टू पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तब हम लोग वन कर लेंगे, यानी कि ये बोल सकते हैं हम कि आपको करना होगा फिर से क्या, एक नंबर लाइन लेना होगा, जैसे कि दिखाते हैं फिर से हम, यानी कि ऐसे यहां पे फिर से हम दिखाते हैं, चलिए एक नंबर लाइन लिया जाए, यहां पे एक नंबर लाइन लिया, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी आपको पॉइंट लेना है जीरो, और इस जीरो से क्या कर रहे हैं आपको बराबर बराबर डिस्टेंस ले लेना है, जैसे मान लिया यहां, यहां पे बराबर बराबर डिस्टेंस ले लिया तो यहां हो गया वन, यहां हो गया टू, यहां हो गया थ्री, यहां हो गया फोर, यहां हो गया फाइव, और ऐसे ही अगर बात करें इधर तो इधर भी हो जाएगा ऐसे, जीरो से इधर लेना है, यानी हो जाएगा यहां पे ऐसे कुछ वन टू थ्री फोर ऐसे ही, हालांकि इधर का तो काम नहीं है। प्यारे बच्चों करना क्या है, जब हम लोग रूट थ्री का निकाल रहे होते हैं, रूट थ्री का निकालेंगे तो रूट थ्री का निकालते वक्त क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमको रूट टू जरूरत पड़ रहा है, तो सबसे पहले आप इस नंबर लाइन पे रूट टू दिखाइए। तो रूट टू दिखाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए कि जीरो से लेकर वन तक के हो गया हम लोगों का बेस, ठीक है, और पाइथागोरस में हमको 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो आप चांद की सहायता से आप इसको यहां पे 90 डिग्री ले लीजिए, तो यहां 90 डिग्री यहां पे आएगा और इस 90 डिग्री पे आपको एक सीधा लाइन खींचना है, तो यहां पे सीधा लाइन हम लोग खींच लिए यहां पे ऐसे, सीधा लाइन हो गया। अब सीधा लाइन में ऊपर चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रूट टू को दिखाएंगे, तो रूट टू को दिखाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग जो ऊपर लाइन लिए हैं उसमें भी वन डिस्टेंस ऊपर लेना पड़ेगा, तो ऊपर में वन डिस्टेंस ले लिए। अब ऊपर में जो वन डिस्टेंस ले लिए, अब क्या करना है, ऊपर वाले जो वन डिस्टेंस लिए हैं इसको इसको मैच करना है, हाइपोटेनस को, जो हाइपोटेनस बनेगा ट्रायंगल में उसको मैच करना है, तो इसको हम लोग मैच कर दिए। इसको मैच करने के बाद ये वैल्यू हो जाता है प्यारे बच्चों रूट टू। अब रूट टू को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से इसको मेजरमेंट कर लेंगे, तो इसको मेजरमेंट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, अब ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब इस बात को दिखाने के लिए हम लोग यहां पे नंबर लाइन पे नंबर पे दिखा दिए। तो प्यारे बच्चों अब यहां पे ये वाला जो लाइन हो गया हम लोगों को क्या आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का रूट टू, यानी कि प्यारे बच्चों यहां से लेकर अगर यहां तक का देखा जाए, जीरो से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो ये क्या हुआ, रूट टू हो गया। अब हमें क्या दिखाना है प्यारे बच्चों, रूट थ्री। तो रूट थ्री में हम लोग सीखे ना कि रूट थ्री दिखाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, दो प्लस एक, और दो प्लस एक को ही हम लोग रूट टू का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां पे देख पा रहे हो रूट थ्री को दिखाने के लिए टू प्लस वन, और इसी को रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू, अब तो अब यहां से लेकर यहां तक के वैल्यू आ गया रूट टू। अब क्या करना क्या है, अब रूट टू वाला जहां पे पॉइंट है, अब यहां से आपको एक और पैरेलल लाइन खींचना है, यानी कि ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, कितना डिग्री पे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पे, यानी बोल सकते हैं अब जो यहां पे
अब जो यहाँ पे फिक्स करेंगे वैल्यू, अब इसको कहाँ रखना है, रूट टू पे, क्योंकि हमें रूट थ्री को दिखाने के लिए रूट टू का जरूरत है, तो आप यहाँ रखिए रूट टू। तो हम रूट टू पे रख दिए हैं। अब यहाँ पे रूट टू रखेंगे तो ऊपर होगा बिल्कुल 90 डिग्री। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंच की सहायता से रूट टू पे आगे, सॉरी पेंसिल से यूज करना है, हाँ। तो अब हो गया ये रूट टू के सामने हो गया। अब फिर क्या करना है, अब यहां पे भी आपको करना है वन ही डिस्टेंस लेना है, क्योंकि रूट टू और प्लस यहां वन, देख रहे हैं ना, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पे तो हम लोगों का रूट टू आ गया है। अब ऊपर में रूट टू पे जो ऊपर लाइन खींचे हुए हैं, यहां पे भी आपको वन ही डिस्टेंस लेना है, यानी कि ऊपर में ले लिया यहां पे वन डिस्टेंस यहां पे। अब यहां पे जो वन डिस्टेंस हुआ, अब क्या करना है, इसको और इसको मिलाना है, इसको और इसको हम लोग मिला देंगे, तो इसको और इसको मिला देंगे तो मतलब ऐसे हुआ। और प्यारे बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम रूट थ्री होगा। अब इसका जब रूट थ्री हो जाएगा तो अब हम लोग इसको और इसको पर रख के, अब देख पा रहे होंगे यहां से यहां तक रख के, और फिर क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर खींच देंगे, और जब जैसे ही नीचे की ओर खींचेंगे तो यहां आ जाएगा लगभग इतना। अब ये वाला जो वैल्यू हो गया, अब ये नंबर लाइन पे ये दिखाएगा हम लोगों को रूट थ्री। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग जो है इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कितना भी बोलेगा, यानी कि कितना भी बोलेगा सबसे पहले उसको तोड़ना है। जैसे अगर मान लिया कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार रूट फाइव को दिखाते हैं, जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग को बोलेगा कि रूट फाइव को नंबर लाइन पे दिखाइए, रूट फाइव को, तो रूट फाइव को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए प्यारे बच्चों करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इसको थ्योरी को समझना होगा, इसके जो मेन बात है उसको समझना पड़ेगा। तो रूट फाइव को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, रूट में लिख सकते हैं चार प्लस में एक। अब जानते हैं ना कि चार क्या होता है, तो चार होता है दो का स्क्वायर, और एक तो ऑलरेडी एक का स्क्वायर होता है, यानी कि जो हम लोगों को नंबर लाइन लेना पड़ेगा, नंबर लाइन पे कितना लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दो। और जो ऊपर में लेना पड़ेगा, ऊपर में कितना लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एक। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमें नंबर लाइन सबसे पहले खींचना है, तो नंबर लाइन अगर खींचेंगे, चलिए खींचते हैं नंबर लाइन। यहां पे हो गया प्यारे बच्चों नंबर लाइन एक ले लिया सीधा इंच की सहायता से। अब जहां मन करे आपको एक ओरिजिन ले लेना है, जीरो ले लिया। अब जीरो के बाद आपको करना क्या है कि यहां से जीरो पे रखना है स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर बराबर बराबर की डिस्टेंस पे आगे लेना है। तो यहां हो गया वन, वन के आगे वन, टू के आगे टू, थ्री फोर फाइव, और फिर आगे उसके अगर आगे लेंगे तो इधर हो जाएगा बराबर बराबर डिस्टेंस, यू बोले तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा बराबर बराबर डिस्टेंस, एक एक यूनिट का लिए हुए हैं। तो ये तो फिलहाल एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ऐसे ही इधर माइनस है, इधर माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, ये नंबर लाइन पे दिखा देना है। प्यारे बच्चों आप यहां पे जरा देखिए, यहां पे देख पा रहे रूट रूट अंडर चार प्लस एक है, तो रूट अंडर चार प्लस एन एक का मतलब हुआ कि चार को हम लोग दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो हम लोग को नीचे में लेना है वो दो यूनिट तक लेना है, यानी की बात करें तो यहां पे नीचे तो यही है, तो इसको जो हम लोग लेंगे वो दो यूनिट तक लेंगे, क्योंकि नीचे में दो का स्क्वायर करना है। तो दो का स्क्वायर यहां तक ले लिया, ये दो तक यूनिट तक हो गया। अब ये दो यूनिट तक के हो गया, अब हमको जो ऊपर लाइन खींचना है उस पे दो पर ही लाइन खींचना है, और कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो चलिए चांद की सहायता से इस बार इस पॉइंट को रखते हुए, इस पॉइंट को कहां रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे दो पे, और दो पे रख के ऊपर 90 डिग्री खींचेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से यहां पे रख दिया। अब यहां पे आपको ऊपर 90 डिग्री खींचना है, यहां पे 90 डिग्री। तो यहां पे फिर इंच की सहायता से आप इसको, यानी कि चांद को खाली काम करना है 90 डिग्री मापने में, कहां रख के मापना है वो क्लियर होगा इसको तोड़ने के बाद। इसको तोड़ लीजिए तो पता चलेगा कि ये कितना का स्क्वायर बन रहा है। अब उतना का स्क्वायर, तो उतना पे आप ऊपर 90 डिग्री बना दीजिए,
प्यारे बच्चों ऊपर में भी कितना डिस्टेंस लेना है, वन, तो ऊपर में भी आप वन डिस्टेंस ले लीजिए, हम ले लिए यहाँ पे वन डिस्टेंस। अब जब यहां हो गया वन और यहां से यहां तक हो गया टू, तो यहां से यहां तक टू हो गया और यहां से यहां तक वन हो गया, तो दो का स्क्वायर और एक का स्क्वायर यानी यही दोनों के ना मिलने से रूट पांच बनता है। तो आप क्या कीजिए, अब इसके हाइपोटेनस को मिला लीजिए, तो यहां से यहां तक हो गया, ये हो गया रूट पांच, तो ये हो गया प्यारे बच्चों रूट पांच। लेकिन इसको नंबर पे दिखाने के लिए आप इसकी सहायता से इसको मेजरमेंट कर लीजिए कि ये कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू हो रहा है, यानी कि ये हो गया फिक्स। और फिर आप क्या कीजिए, तो यहां से लेकर यहां वाला जो चीज है उसको आप नीचे नंबर लाइन पर उतार दीजिए। अब इसको नंबर लाइन पर उतार देंगे तो ये वाला जो वैल्यू हुआ मेरा, ये कौन सा वैल्यू हुआ जो नीचे वो अभी लाए हैं, यही हो गया मेरा रूट फाइव। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब जरा आगे का क्वेश्चन देखें, तो फिर रूट अंडर टेन है, तो रूट अंडर टेन को प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं नौ प्लस में एक, और नौ को कितना का स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तीन का स्क्वायर, और इसको तो एक का स्क्वायर, यानी जो नीचे लेना होगा प्यारे बच्चों वो तीन तक के लेना होगा, और हमको जो ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा वो तीन से बनाना होगा, और ऊपर में भी एक यूनिट लिखना होगा, और ऊपर वाला जो एक आएगा और तीन वाला पे तो इसको मिला लेंगे और फिर उसको उतार देंगे नंबर लाइन पे, तो उस तरीके से उसको रूट टेन हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों कितना भी रूट में आएगा ना तो हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये वाला वैल्यू तोड़ने आना चाहिए कि हम लोग इसको कितना पे तोड़ेंगे कि हम लोग उसको दिखा सकते हैं। जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन में देखें कि थ्री था, तो थ्री कब आता, जब दो और एक आता। अब दो और एक कब आता, जब स्क्वायरिंग करना मेन बात है, तो दो कितना का स्क्वायर होता है, रूट टू का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब रूट टू का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि दो रूट टू का स्क्वायर होता है और प्लस वन वन का स्क्वायर होता है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रूट टू जरूरत है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन पे रूट टू को करेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग जो है किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीखें। चलिए आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप रूट टेन का दिखाइए, फिर रूट सिक्सटीन का दिखाइए, आपको ये दोनों क्वेश्चन को बनाकर इस ग्रुप में जो एजुकेशन का ग्रुप है बनाए हुए हैं, हम क्रिएट किए हुए हैं स्पेशल नाइन्थ क्लास के लिए, आप वहां पे इसको रिप्रेजेंट करके और बिल्कुल सेंड कीजिए। तो आज के वीडियोज को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में। थैंक यू।